के हाथ और पैर काटे हुए हैं और धड़ अलग। बहुत बुरी हालत में मिला सब, पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिया था मम्मी के शरीर के। बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा हुआ था, जैसे हाथ और पैर काटे हुए हैं और धड़ अलग। सर कितने लोगों के इन्वॉल्व होने की प्रथम दृष्टया जो है आपको आशंका है? अभी तो एक ही आदमी का नाम आया, गुलामुद्दीन। गुलाम के परिजन से? परिजनों का अभी इसमें कोई समझ, बाद में तफ्तीश में पता चलेगा। तो सर जो कटने की जो हालत थी उसको देखकर क्या लगा था कि ज्यादा हथियार था या कोई ग्राइंडर था? अभी ये इससे FSL से और इससे पता चलेगा। प्रथम दृष्टया क्या? दिनांक 27 तारीख को हमारे पास एक गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें अनीता चौधरी नाम की महिला है जो 50 साल जिनकी उम्र है, वो गुम हो गए थे। वो बी रोड से गायब हुए थे, वहां से परिजनों ने कहा कि वहां उनकी दुकान है, वहां के आसपास से वो गायब हुए थे। फिर आगे क्या रास्ता घटना आगे पहुंचे आप? उसके बाद में जब हमने फुटेज देखे और तो उसमें महिला टैक्सी में बैठ के जाती हुई नजर आ रही थी, तो उसके साथ कोई नजर नहीं आ रहा था। बाद में उस टैक्सी जो ड्राइवर था उसकी पहचान करके गया टैक्सी के नंबर से और उस तक पहुंचे और उसने बताया कि मैं महिला को गंगाना ले जाके छोड़ा है। उसके बाद में जब हमने आगे पता किया कि वो घर किसका है, वो एक गुलामुद्दीन नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति का घर था। वो व्यक्ति घर पे नहीं मिला, उसकी तलाश कर रहे थे कल शाम से ही। और फिर आज उनके परिजनों से उनसे पता किया तो वो गायब मिला। और फिर बॉडी की हमारे उस घर वालों से इनसे सख्ती से जब पूछताछ की गई तो बॉडी का पता चला कि घर के सामने ही गाड़ी हुई। बहुत बुरी हालत में मिला सब, पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिया था मम्मी के शरीर के। इतनी बेर हमें से मारा है मेरी माँ को, जिसका कुछ नहीं कर सकते। बट ये चीज बहुत एक विश्वास में लेके आया है, किसी इंसान ने ऐसा किया है। जब मम्मी को इतना मानते हैं, भाई बहन जैसे बोलते थे 25 साल से वहां पे सेम जगह आमने सामने दुकानें थी, बट फिर भी ऐसा कर दिया उन्होंने, इसकी उम्मीद नहीं थी हमें। हमें आपसे पूरी अपेक्षा है आप हमें पूरा न्याय दिलाए जाए। बस हमें इतना बेरहम से अलग अलग टुकड़े कर दिए, इतना बेरहम से हत्या नहीं करनी चाहिए, इतने अलग अलग टुकड़ों में हत्या करके फेंक बोरी में गाल के घर के बाहर 20 फुट खाटा खोद के पूर दिया, दो कट्टों में डाल के पूरा शरीर का अलग अलग करके। पुलिस ने फोन किया था हमारे को 27 को पता, हम 27 को चले गए थे FIR दर्ज करने रात को। नहीं, अभी जब बॉडी मिलने की जानकारी वो उनके यहाँ तक घूम रही है, तफ्तीश में चल रही है। आपको कितने बजे जानकारी थी आज? हम सर वो टाइमिंग हमने नहीं देखा है, वो तो थाने में ही है, कोई घूम रहे ना, वो कपड़े नहीं थे। कहाँ मिले वो कपड़े?
वो कपड़े हमें भी नहीं पता, पुलिस को, पुलिस को पता है वो उनकी है। मैंने बॉडी देखी, हम उस कंडीशन में नहीं है, हम आपको और कुछ बता पाए, और कुछ होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। हमें न्याय चाहिए, आपसे पूरी अपेक्षा है, हमें बस आप सबसे हाथ जोड़ के यही अपेक्षा है कि बस हमें न्याय दिलाए, जो कोई भी है, जो कोई भी इसके पीछे हो, कैसे किया, जो षड्यंत्र रचा गया है उसको बस ये मिली भगत से हुआ, ये प्लानिंग हुआ है सारा, अपराधी को उसके पीछे अपराधी को पूरी सजा चाहिए, सजा मिले बस।